सर, मेन तो आज का उद्देश्य क्या था? आज हमारी ये संगठनात्मक बैठक थी कार्यकर्ताओं की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला हुआ है और उस सदस्यता अभियान को जो है कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन था, उस शुभ अवसर पर जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वाराणसी से जो है उसकी शुरुआत किया, उसको लॉन्च किया है और वो टोल फ्री नंबर है 8980808080। उस नंबर पर मिस कॉल दे करके कोई भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है, साधारण सदस्य बन सकता है। और जो पिछली हमारी सदस्य थी, अब ये हर 3 साल बाद जो है ना हमारी सदस्यता रिन्यूअल होती है और अब की बार जो है टारगेट रखा है कि 20% जो है नए सदस्य बनाने हैं और जो कार्यकर्ता 25 सदस्य बनाएगा, साधारण सदस्य बनाएगा, उसके बाद वो एक्टिव मेंबर बन सकता है, पार्टी का सक्रिय सदस्य बन सकता है और वही कार्यकर्ता जो है ना पदाधिकारी बन सकता है। वो मंडल के जो पदाधिकारी होते हैं, मंडल का जब गठन होता है तो उसमें हिस्सा ले सकता है, जिले में हिस्सा ले सकता है, प्रदेश में हिस्सा ले सकता है। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम जो है, और जो अभी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने हरियाणा के अंदर जीती है कमल के फूल पर और अच्छे मार्जिन से जीती है, तो अपने जितने भी कार्यकर्ता इसमें लगे, अपने पन्ना प्रमुख, अपने बूथ लेवल के जितने भी कार्यकर्ताओं ने इसमें योगदान दिया, उन सबका अभिनंदन भी करने के लिए ये कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम को, सदस्यता को तेजी से करने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां भी दी गई हैं और एक 7 दिन की एक विस्तारक योजना कि कुछ कार्यकर्ता अपना घर छोड़ करके, अपना बूथ, अपना शक्ति केंद्र छोड़ करके दूसरे जगह जा करके वो इस प्रकार से पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने के लिए वो काम करें, तो इस प्रकार की योजना पार्टी ने बनाई है। HSSC के तहत अनेक तरह की जो है वैकेंसी निकाली गई हैं, तो क्या ये चुनाव से पहले संपन्न हो पाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है और जिस ईमानदारी से हरियाणा की सरकार में नियुक्तियां की गई हैं, आज पूरे हरियाणा के अंदर इस बात की जो है ना लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ऐसे गरीब बच्चों को, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, जो ऊर्जावान बच्चे थे, जो काम करने वाले बच्चे थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, उनको पहली बार जो है ना अवसर प्राप्त हुआ है कि इस सरकार में वो जो पेपर पास करते हैं उन बच्चों को जो है ना इस प्रकार का अवसर मिलता है। तो जितनी भी अब वैकेंसियाँ हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है ना फिलअप हो जाए। और पीछे भी जिस प्रकार से 4 साल में हमने लगभग 4.5 साल हो गए सरकार को बने हुए और 4.5 साल के इस अंतराल के अंदर हमने 65,000 से ज़्यादा बच्चों को जो है ना नौकरियां देने का काम किया है और मेरिट के आधार पर देने का काम किया, तो एक बहुत बड़ी संख्या जो है ना नौकरियों में जाने वाले बच्चों की हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो उनको अवसर दिया है। तो ये जो अभी वैकेंसियाँ निकाली हैं इनका भी इसी प्रकार से, क्योंकि अब आगे इंटरव्यू तो है नहीं, सिर्फ टेस्ट, जो बच्चे टेस्ट पास करते हैं और वो टेस्ट पास करने के बाद सीधे जो है उनकी मेरिट बनती है और मेरिट बढ़ने के बाद उनको जो है ना नियुक्ति दे दी जाती है। पिछले कुछ सालों में नशा काफ़ी बढ़ गया है और मौजूदा सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ ऐसे सामाजिक बीमारियां हैं जिनको ठीक करने के लिए समाज का भी सहयोग होना जरूरी है। ये इस प्रकार के काम अगर समाज ठान ले कि हमने नशे को बिल्कुल ख़त्म करना है, सरकार भी अपने अपने तरीके से, सरकार ने कई प्रकार के कानून बनाए हुए हैं और उन कानूनों के तहत गिरफ्तारियां भी की जाती हैं और इस प्रकार से नशे को रोकने के लिए और भी कई अन्य प्रकार के जो है ना कदम उठाती है, लेकिन जब तक समाज जागृत नहीं होगा, समाज जो है ना समाज केंद्रीय चेतना नहीं आएगी, और समाज जब जागृत हो जाएगा और समाज ये ठान लेगा कि हमने नशे को है ना ख़त्म करना है, तो निश्चित रूप में इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है और ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म की जा सकती है। ठीक है।